बच्चों डे 17 में हम लोग पार्ट टू देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, और अब हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्यूशन जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आप लोग देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने 5 पहले ही डिस्कस किए थे, अब देखेंगे नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बच्चे अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में देखा था प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इंक्लूड बोन मैरो एंड थाइमस, तो याद ही रखना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, तो यहाँ से बी सेल्स और यहाँ पर टी सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं थाइमस के द्वारा, और ये बी सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चे, वो रहे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर द स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड अपेंडिक्स, दीज आर सेकेंडरी लिम्फॉइड। तो ये याद रखने हैं आपने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, द फॉलोइंग आर सम वेल नोन एब्रिविएशंस विच हैव बीन यूज्ड इन द चैप्टर, एक्सपेंड ईच वन टू इट्स फुल फॉर्म। माल्ट क्या होता है आपको पता था, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये देखो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, नैको, नैको का मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो नैको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये नैको थोड़ा सा याद रखना आपने, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है। ठीक है बेटा, और भी क्वेश्चन है आपका, जैसे एड्स है, एक्वायर्ड और इननेट इम्यूनिटी में थोड़ा डिफरेंस आप लोग करोगे, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है इसमें। इट इज़ नॉन पैथोजेनिक पैथोजन, इट इज़ नॉन पैथोजेनिक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब ये क्या है, ये स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। वरा इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल सिंस बर्थ, एक्वायर्ड बर्थ आफ्टर द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल्स। इट ऑपरेट बाई प्रोवाइडिंग बेरियर्स अगेनेस्ट एंट्री ऑफ द फॉरन एंटीजन्स, ऑपरेट बाई प्रोड्यूसिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स विच आर मीडिएटेड बाई बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। इट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक मेमरी, इट इज़ अ करेक्टराइज बाई इम्यूनोलॉजिकल मेमरी। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये अब आप लोग देखोगे एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी बच्चे, इन विच द बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडी, उसको एक्टिव कहते हैं, अगेनेस्ट डिजीज काजिंग एजेंट। बॉडी अपने से खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे किसी डिजीज काजिंग एजेंट के अगेनेस्ट, तो उसको एक्टिव कहते हैं। पैसिव, द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच द रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन इंडिविजुअल्स टू एनदर। ठीक है, इट हैज लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, इट डज नॉट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, इट इज स्लो, इट इज़ फास्ट, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज, प्रेजेंट इन मदर मिल्क टू इन्फेंट, एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्ट इंजेक्शंस, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स थ्रू वैक्सीनेशन इनसाइड द बॉडी, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से दिमाग में रखें, ये कुछ क्वेश्चन हैं। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, देखो ना बच्चे कैसे आपको इधर क्वेश्चन क्या आ सकता है। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट सबसे पहले एन टर्मिनल होती है, पहली बात, और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। ठीक है बच्चे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। दूसरी बात यहाँ पे क्या हमें याद रखना है, दूसरा हम लोग यहाँ पे ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि हमारे पास 2 H2, 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है और आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से हैवी चेन भी और लाइट चेन भी बाइंडेड होती हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, एक एन टर्मिनल वाला कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, एन टर्मिनल में एंटीजन बाइंडिंग साइट है और बॉन्ड कौन सा आपस में जुड़ने के लिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलिए सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो किस में प्रेजेंट है, आपके किसके लाइट चेन में। ठीक है, और हैवी चेन में आपके पास डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, ये देखो ये ना डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड, लाइट मीन कम बॉन्ड, हैवी मीन ज़्यादा बॉन्ड, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, टेंथ तो आपको पता ही है बच्चे, ये क्वेश्चन हम लोग, व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाई विच द रूट्स होता है वे बाई विच द ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टेक प्लेस। एड्स जो है इज़ कॉज्ड बाई ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम हेल्दी टू अनहेल्दी पर्सन, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज फ्रॉम इंजेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा, है ना, ऐसे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इट्स वायरस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है बच्चे, तो ये देखो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से वाया सेक्शुअल और ब्लड कॉन्टैक्ट आफ्टर इंटरिंग द ह्यूमन बॉडी द HIV वायरस अटैक द इंटर मैक्रोफेजेस, हम के इम्यून सेल्स, मैक्रोफेज कौन से होते हैं बच्चे, इम्यून सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है, इन पे जाके इफेक्ट करेगा। RNA द वायरस रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड गिव राइज अ वायरल DNA, देन दिस वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट DNA एंड डायरेक्ट द सेंसेस ऑफ वायरस पार्टिकल। एट द सेम टाइम HIV इंटर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, इट रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस वायरल प्रोजनी। दे आर दिस न्यूली फाउंड प्रोजनी वायरस गेट रिलीज इंटू द ब्लड अटैकिंग द हेल्दी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन द बॉडी। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, देयर बाई डिक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन। नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स क्या होते हैं, ये डिफरेंस आपको बहुत बार करवाया है। मेटास्टासिस क्या होता है बच्चे, मेटास्टासिस वाले केस में जब कैंसर सेकेंडरी स्टेज पे सेपरेट होना, सेकेंडरी पार्ट्स बॉडी के सेपरेट होना शुरू कर देता है। लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय अल्कोहल एंड ड्रग्स, इफेक्ट ऑन द फैमिली, इफेक्ट ऑन सोसाइटी, इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल, दीज आर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स, इफेक्ट ऑन द फैमिली एंड सोसाइटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इसकी स्टेटमेंट कभी कभी पूछ सकते हैं आप लोग, इसको भी देखोगे। वाई इज एट वंस अ पर्सन स्टार्ट टेकिंग अल्कोहल और ड्रग्स इट डिफिकल्ट टू रिड ऑफ दिस हैबिट, डिस्कस इट विद योर टीचर्स। ठीक है बच्चे, ड्रग्स एंड अल्कोहल कंजम्पशन हैज एन इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर एसोसिएटेड विद यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बींग। रिपीटेड इनटेक ऑफ ड्रग्स इंक्रीज द टॉलरेंस लेवल ऑफ द बॉडी रिसेप्टर लीडिंग टू मोर कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू बेटा।